पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ प्रियांशी भंडारी राणा उत्तराखंड देवभूमि देहरादून से। तो दोस्तों, आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा है अपने कॉलोनी में मंदिर का, जिसमें कि स्थापना दिवस हुआ। और उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में मैं ये बताना चाह रही थी कि बच्चों का मतलब, क्योंकि लंबी हो जा रही वीडियो तो एक साथ मैंने उसे मर्ज नहीं करा, अलग अलग पार्ट में कर रही हूँ। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो है जिसमें बच्चों को वहाँ पर बहुत अच्छा है कि मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करा जा रहा है कि बच्चे किस तरीके से, उनका ये छोटा सा मंच होगा जिससे कि बच्चे एक्टिव बने रहे और थोड़ी बच्चों में कॉन्फिडेंस आता रहे, जिससे कि मतलब बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ, जैसे प्राइज मिलता है तो बच्चे थोड़ा खुश हो जाते हैं ना, नहीं मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा, हमारे आचार्य जी विवेक जोशी जी ने और बाकी हमारे कंडवाल अंकल जी जो हमारी कॉलोनी के ही हैं, वो लोग बाकी बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे से मतलब कॉलोनी की देखभाल करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से मतलब कॉलोनी में जितने भी कार्यक्रम होते हैं सारे वो लोग फॉलो करते हैं। तो हमसे भी जितना हो पाता है, मेरे से इतना ही हो पाता है कि मैं वीडियोस के माध्यम से दिखा देती हूँ। बाकी तो बाकी सारे हमारी कॉलोनी में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि पूरा देखभाल करते हैं, पूरी कॉलोनी में किस तरीके से मैनेजमेंट करना होता है तो वो सारा वो लोग कर लेते हैं। तो चलो फिर दोस्तों, आप देख सकते हो कि कॉलोनी में बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो चलो फिर दोस्तों देखिए। हेलो बच्चों, तो यहाँ पर मंदिर में अभी प्रतियोगिता रखी गई है बच्चों के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रतियोगिता रखी हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बैठ चुके हैं बच्चे और हनुमान चालीसा पढ़िए, जो देखते हैं कौन यहाँ पर विनर बनता है। श्री गुरु चंद्र सरोज मन मुकुर सुधारी बन राव रघुबल बिमल सूद उदय प्रचार बुद्धि तंत्र जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो क्लेश विकार जय हनुमान गण गुण सागर जय कपीश दुख लोक उजागर राम दूत अतुलित बल राम अंजन पुत्र कम सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास मत के संगी कंचन बन ब्रास बेसा कान कुंडल कुंडल के सा हाथ मजवा ध्वजा विराज खाने मूज ने और साजे शंकर सुगन के सेन निधि जय दामा जगबंदर विद्यावान बनी अति चाचा नाम काज करि बेको आदर पर बुझ सुमे बेको रसिया राम लखन सीता वन बसिया स्मक रूप दर सी आई दिखावे विकट रूप दर लंग दराब भीम रूप दर यश सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जी आई श्री रघुबीर हरि सुर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम विधु ये सहित संभाई सहित सबदन तुम्हारो जस काव अस्कल श्रीपति कंठ लगावे सनका दिक ब्रह्मांड मनीषा नारद चार चैत जमुख बेर दिक पाल
जहाते कभी को विद कह सके कहाते तुम उपकार श्री भी की ना राम मिलाए राज दिन तुम्हारा मंत्र भीषण माना लगे स्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्रो जल पर बाणी लीलो ताही मदर फल जान प्रभु पुत्री का मेल मुख माही जल्दी नाही गई अचरज नाही दुर्गम काल जगत के जेते सुर मनुना तुम्हारे दे दे नाम रवाले तुम रखवाले होती ना आज्ञा बिन पै सारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हो दो डन आप दे समारोह आवे तीनों लोग हाँप दे ताप है भूत विचार निकट नहीं आवे महावीर जब नाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी पर रघुबल बिमल जसु जो दायक बचा बुद्धि ही रतन जान के सुमिरो भवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे वही हर कलेस निकास अवर जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी पर रघुबल बिमल जसु जो दायक बचारी बुद्धि ही रतन जान के सुमिरो भवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे वही हर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बल रंग रघुवर बिमल जसु जो दायक बलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मुई हर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बल रंग रघुवर बिमल जसु जो दायक बलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मुई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक बलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सिधु लोक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बिमल जसु जो दायक बलचारी श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुबल बिमल जसु जो दायक बलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सहित लोक पुचाकर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पद्म तुम रोज सिखावे अस पर श्री पति कंठ लगावे सतका देव ब्रह्मा देव निशा नारा सार सहित ऐसा जंबु बेस पाल चढ़ते कवि को विक्रय सके गाते सुबुकार सरोज मुकुर सुधारी पर रघुबर बिलल जसु जो दायक बलचारी बुद्धिहीन तन निवास मत के संगी कंचन बरन विराज कानन कुंडल कुंचित के हाथ पर जोर ध्वजा विराजे कांडे विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी पर रघुवर बिमल जसु जो दायक बलचारी बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सिधु लोक उजागर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी पर रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी बन रंग बिमल जसु जो दायक फलचार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी पर नव रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बन मान ज्ञान गुण सागर सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवन विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कृष्ण राम दूत अतुलित बल धामा अंजन चित्र पवन सुधामा महावीर
श्री गुरु चरण सरोज रजनी मुकुंद सुखदार बलराम रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार दीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बलपति विद्या देहु मोई हरहु कलेश विकार जय हनुमान के अंगन सरगन जय तुपी स्त्री श्री गुरु चरण सरोज रजनी मन मुकुर सुधार बरनव रघुबीर विमल जसु जोदायक श्री गुरु चरण सरोज रजनीज मनु मुकुर सुधारी बरनव रघुबर विमल जसुजु कुफल चारी विज्ञानी तनु जानिके सुमिर श्री गुरु चरण सरोज रज मनु मुकुर सुधारी बरनव रघुबीर विमल जसुजु दाय फल चाहे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बनराव रघुबीर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हर कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बनराव रघुबीर विमल जसु सरोज रज निज मन मुकुर सुधार पूरा समय अपने परिवार के सही देखो कब से बैठे हुए वो तो जाने वाले थे और आप सभी बच्चों के लिए बैठे हुए ठीक है आप सभी के दादा और दादी है कौन है दादाजी और दादी तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि देखो वो सीनियर सिटीजन भी है और इस ट्रस्ट के संस्थापक भी है और आपके सब हम सबके दादा दादी भी देखो बैठे रहे कितनी बड़ी बात है ना तो उनकी तरफ से और हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार समय बहुत हो चुका है हम जितने भी यहाँ पे जिन्होंने भी भाग लिया इस प्रतियोगिता में सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है साधुवाद है हमारे कणवाल जी हमारे कुंदन रावत जी हमारे महेंद्र रावत जी हमारे चमोला जी हमारे पंत जी हमारे भास्करी जी हमारे मेहर जी जितने जितने नाम है यहाँ पे जितने लोग हैं सभी ने अपना सहयोग निरंतर देते रहते हैं और आगे हमेशा देते रहेंगे इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और महिला शक्ति के लिए जितनी माताएं हैं सभी आप अपना भरपूर से हौसला बढ़ाने के लिए था ठीक अब टाइमिंग की बात करें किसने जल्दी पढ़ा क्या पढ़ा वो एक अलग विषय है ठीक हमने 15 साल के उम्र के नीचे बच्चों को हमने प्रोत्साहन करना था ठीक है दो बच्चे इसमें उम्र के बड़े हैं लेकिन उनका भी बहुत बहुत स्वागत है दो बच्चे एक जो 12 साल के थे एक लड़का और बेटी 16 साल की ये दोनों थे है ना ठीक है इन दोनों के लगभग बराबर ही वो था तो उस विषय में हम बाद में जाएंगे पहले हम एज के अनुसार और जल्दी और हमने इसमें त्रुटियां भी इसमें हमने एक एक पॉइंट हमने कम कर दिए हैं किसको क्या देना है क्या नहीं देना है तो एक बार तो सबसे पहले मैं बता दूं सभी ने बहुत अच्छी हनुमान चालीसा पढ़ी है अब रही बात फर्स्ट कौन आया है इसमें इनाम जो रखना था मतलब ये इतने दिलदार है मैं क्या बोलूं इनाम मैंने अपने तरफ से रखना था बात हुई थी फर्स्ट में ही बात हुई थी कि पैसे का इनाम मैं दूंगा लेकिन इन्होंने मुझे कल मजबूर कर दिया कह रहे आप कौन होते हो कह रहे अगर आपके पास नहीं होगा वो बात की बातें हैं लेकिन कह रहे जब तक हम खड़े तब तक आपको आगे नहीं इन्होंने मेरे लिफाफे छिंच लिए अब कोई बात नहीं बात अलग है विषय है हम कभी ना कभी करते रहेंगे लेडीजों के लिए आगे तैयार रहना अब हम सुंदरकांड में आगे की प्रतियोगिता होगी सब लेडीज माताओं के लिए उसमें हम आपको बता देंगे ग्रुप में कितने श्लोक होंगे कितनी चौपाई होगी कौन सा सोरठा होगा वो तय किया जाएगा ठीक है तो सबसे पहले सबको हम यहाँ से प्रतियोगिता का उपहार देंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो होगा वो हम बाद में डिक्लेयर करेंगे पहले अदिति नेगी जी को अदिति नेगी आगे आ जाए बेटा और आपको हमारी माता जी जाओ बेटा वहां पे जाओ वही कोई बात नहीं आप बेटा अदिति नेगी आ जाए Thank you.
चलिए टाइमिंग आपको बाद में बताएंगे, आपने चार गलतियां की थी फिर भी आगे पढ़ते रहिएगा। दिव्या भंडारी आगे आ जाए, जिनके मैं नाम लेता रहूंगा आते रहिए। ईशानी रावत आगे आ जाए, राधिका बर्दवाल आगे आ जाए, अभिषेक नेगी आगे आ जाए, अनन्या बिष्ट आगे आ जाए, प्रिंस बिष्ट आगे आ जाए, आकांक्षा पंत आगे आ जाए, दक्षांश रावत आगे आ जाए, सवास बेटे पहुंच चुने। आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल चार चीजें बढ़ती हैं अपनों को सम्मान देने से, मान देने से, ठीक है। पांव छूने से, माँ बाप के दादा दादी के पांव छूने चाहिए, डेली घर में छू, इनको आदत दिलवा दो अब यहाँ से, अभी से। जितने बच्चे उठेंगे पहले आपके पांव छूएंगे, स्कूल जाएंगे तो माँ बाप के पांव छू के जाएंगे। गुड मॉर्निंग वगैरह छुड़वा दो, राधे राधे बुलाना शुरू कर दो, जय श्री कृष्णा बुलाना शुरू कर दो, जय माता दी बोलना शुरू करवा दो। आयुष पंत आगे आ जाए, मयंक पंत भी आगे आ जाए, गौरा कंडारी भी आ जाए, समृद्धि पैनरी भी आ जाए, अनुष्का भट्ट भी आ जाए, अनुष्का भट्ट पीहू कापड़ी आ जाए, दिया बिष्ट आ जाए, अनिशा देवी आ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे चमोला जी, रावत जी भी आ जाए हमारे। इसलिए आप सभी भाग्यशाली हो कि इतना सुंदर अवसर आप सभी को मिलता है। निवेदन है ऐसे धर्म से जुड़े रहें, धर्म के कार्यों में प्रवाह पावे दस्तले गले लंबे लंबे दामु जंग जंग माली काम दम 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 नंदी नागा वर्मा यादव सकार गंधर तांडव मखन उठन शिव शिवम जटा जटा ओ संभ्रम भ्रमम निर्जन निर्जली विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी जगत 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 जल लाट पट पावके किशोर चंद्र शेखर रति बतिश ममा। आपके लिए मनोज नाम कौन कौन वंश कौन है वंश क्या बोलते ठीक ठीक और वंश नेगी आपका भी 1:51 में ही खत्म हुआ। सिर्फ आपका इसका अनुष्का का बहुत अच्छी चीज़। और जो चीज है सामने रखना बहुत जरूरी होता है, शायद हो सकता है जब इन्होंने पढ़ा होगा तो हो सकता है इनकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, और यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्होंने उनसे भी कम टाइम में, लेकिन उम्र के कारण इनको हमने सिर्फ ये कारण था। और अनुष्का भट्ट ने अनुष्का ने 1:51 में पूरी हनुमान चालीसा समाप्त कर दी। उसको ही दे दो आप, बाकी आपको ट्रॉफी तो मिल चुकी है दोनों उसी से। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आसाम की बच्चियां, इस उम्र की बच्चियां, 14-15 साल की जो बेटियां हैं आजकल मोबाइल चलाती रहती है, इधर उधर दोस्ती। तो इस बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवती की कृपा आप पे हो गई।
और अब मैं एक बार पुनः दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में और बिना गलती के बोला है। अभिषेक देवी फर्स्ट जरूर आया, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ बेटा, हवड़ तबड़ में आपने वैसे गलतियां नहीं की है, बहुत ही सुंदर। आपका टाइमिंग 2 मिनट और 7 सेकंड का था, गलतियां आपकी कम थी। हाँ, आपसे अच्छा किसी और ने भी अच्छा बोला था, अच्छे टाइम में बोला था, लेकिन ठीक है। चलिए, दर दर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तृतीय पुरस्कार में हमारे दो बच्चों के नाम आए हुए हैं, वर्षा रावत खड़ी हो जाए और अनिशा देवी, क्या बात क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरी आप इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। आगे से तीसरे नंबर की धनराशि को बढ़ाया जाएगा, ठीक। अभी ये फर्स्ट पहली बार था, इसलिए एक बार मैं आपको पुनः बार बार बोल रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ बेटा, हड़ तबड़ नहीं, स्पीड मत देखो, शुद्धता देखो, हनुमान चालीसा में शुद्धता होनी चाहिए, बस ये याद रखना, ठीक ठीक ठीक। वर्णव होना चाहे पनरव नहीं होना चाहिए, आप बहुत जगह कीन ही होना चाहे कीन ही नहीं होना चाहिए, बहुत जगह आप त्रुटियां कर रहे हो। आप गुरु जी से पूछो, आचार्य जी से पूछो। अच्छा, ये इधर इधर देखो, जय हो, जय ऐसे कार्यकर्ताओं के मार्ग का। तो दोस्तों, आपके साथ मैंने सारा वीडियो शेयर किया, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर प्राइज मिले और किस तरीके से बच्चों ने बोला और कौन से बच्चे ने कितने टाइम में बोला, ये सब कुछ वहाँ पर हुआ। उसके बाद दोस्तों सबको प्राइज मिला और फर्स्ट विनर वहाँ पर बहुत अच्छे से फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर को, फर्स्ट विनर को 500 रुपीज़ मिले, सेकंड विनर को 250 एंड थर्ड विनर को 151 रुपीज़ मिले। और बाकी सारे जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन बच्चों के लिए सबके लिए प्राइज था, शील्ड वगैरह सबके लिए दिए गए। बाकी और शील्ड पे सबसे मेन बात क्या थी कि शील्ड पे जो वहाँ पर माता रानी है उनकी फ़ोटो हर एक शील्ड पे बनी हुई है, मतलब वो उन्होंने छपवाई हुई है, जो कि बस सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके घर में माता रानी स्वयं जा रही है। तो दोस्तों चलो, फिर आपने देखा होगा जिस चीज़ को भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलो फिर दोस्तों, इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखा करो, बाय बाय, टेक केयर।